ये गोलू कुमार और विशाल कुमार और हमें हमारे भैया और ये पप्पू सर, विशाल कुमार इधर है। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिस आदर्श मेहता ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको रानीताल डैम घूमने वाले हैं, जो कि लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, अभी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। चल चल पुल। ये हम लोग सेंट्रल बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, जो कि कोयल नदी के पास है। कोयल नदी पुल पे भी पहुंचने वाले हैं। नदी के ऊपर है हम लोग अभी, जिधर गिरवर स्कूल है, कोयल नदी के पुल पर है हम लोग। ये देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है, रोड की चौड़ाई कम होने के कारण गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं तो जाम लगने का वो रहता है, आलम रहता है। अभी हम लोग शाहपुर पहुँचने वाले हैं। हम लोग अभी शाहपुर चौक पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग अभी शाहपुर चौक क्रॉस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। रास्ता तो काफी खराब है, आप देख सकते हैं। आदर्श मेहता ब्लॉग्स को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी सारी नई वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलते रहे। टाइम टू टाइम हम लोग डेली वीडियो डालते रहते हैं, एक आप डेली देखा कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, दबा के शेयर और लाइक ठोकिए एकदम। अगर आप पलामू और डाल्टनगंज पूरा शहर घूमना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम पलामू और डाल्टनगंज पूरे का ब्लॉग बनाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूम घूम कर आपके लिए। हम इतना कुछ करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आदर्श मेहता ब्लॉग्स। ये आप देख सकते हैं, आप शाहपुर चैनपुर का ब्लॉग है इधर, चाय दुकान यहाँ पर एक था, बहुत फेमस चाय दुकान था, लेकिन अभी वो फिलहाल बंद है। हम आपको उसको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। स्पेशल चाय 10 का स्पेशल चाय था। एक चौक ही है, पता नहीं कौन सा चौक है, लेकिन हम आपको अगले वीडियो में पता करें, जांच पड़ताल के साथ बताएंगे। ये हम लोग चैनपुर थाना के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। अरे आप देख सकते हैं, कुछ दूरी पर एक मिनी मार्केट है जहाँ ठेला वगैरह लगता है। ब्राइटनेस कुछ कम लग रहा है, चलते आओ। आप देख सकते हैं दाढ़ी, दाढ़ी पिए वो क्या मन तो कर रहा है हमारा, लेकिन पिएंगे आते समय, हम तो पिएंगे ही जरूर। हम लोग अभी चैनपुर स्थित रानीताल डैम घूमने जा रहे हैं, जो कि लॉकडाउन में बनना स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन से पहले ही अभी कंप्लीट हुआ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर।
माफ कीजिएगा, हमारी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। डाल्टनगंज एवं पलामू के खूबसूरत जगहों में से एक, जैसे मलैया डैम हो गया, वैसे हमारा रानीताल डैम हो गया, मंडल डैम, ऐसे ही हमारा शहर भी विकसित कर रहा है। डाल्टनगंज से थोड़ा सटके हटके है। ये देख सकते हैं आप रास्ते में छोटा सा खूबसूरत सा नहर भी है, इसके ऊपर सीढ़ियां बनाई हुई है। तालाब है मतलब। शांत रास्ता है, धूल भी नहीं है हमारे शहर की तरह। गांव की खूबसूरती में हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे भैया हैं और एक छोटा भाई है। हाय कर दीजिए भैया, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स। और जी भैया, नेवरा मोड़ था ये शायद। शायद नहीं बोलो, नेवरा मोड़ ही था। हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं रानीताल डैम में, जो कि बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अभी हम आपको उसका व्यू दिखाएंगे। अभी हम लोग नेवरा गांव से गुजर रहे हैं। इसी गांव के बाद ही है हमारा रानीताल डैम। आप दिखाएंगे हम आप सभी लोगों को उससे खूबसूरत। बने रही हमारे द्वादश मेहता ब्लॉग्स के साथ। हमें अब लग रहा है कि हम पहुंच चुके हैं। ये साइड साइड में नहर भी बनाया हुआ है छोटा सा, ताकि खेतों तक पानी जा सके। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं रानीताल डैम। हम आप लोग को दिखाएंगे नज़दीक से उसका नज़ारा। आप देख सकते हैं रानीताल डैम हम लोग पहुँच चुके हैं। चल रहा सब सही, खूबसूरत नजारा है। हम लोग आसमानों की ऊंचाइयों में आप देख सकते हैं। काफी भीड़ भाड़ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये, आप देख सकते हैं। खतरों से कम नहीं है ये डैम। अबे रुक, ये आप देख सकते हैं हमारे बीच चार नौ युवक और दो हमारे बड़े भैया हैं। ये रोहित कुमार हैं। हेलो गाइस, फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन रानीताल डैम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, और आप देख सकते हैं इधर पिकनिक स्पॉट भी है। कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे भीड़ जमा हुआ है इधर। आप अपने फैमिली के साथ एक बार आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उधर पहाड़ वगैरह देखिए, इतना दूर में फैला हुआ है ये डैम। अब देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ का माहौल है। काफी जगह आप उधर से सनसेट व्यू भी देख सकते हैं, जो कि हमें अक्सर देखने को मिलता नहीं है। वो हम देखने बेतला नेशनल नेतरहाट जाया करते हैं, सॉरी, जो आपको यहीं पर मिल जा रहा है सस्ते दामों में, सस्ते पेट्रोल के जगहों पर। आप देख सकते हैं ये हमारे भैया है, ये विशाल कुमार, उधर गोलू है, ये सत्य कुमार, हाय कर दो, रोहित कुमार, अक्षय कुमार। आप देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ है।
ये देखिए ये हमारे भैया, इसमें सोम भैया है, इनका नाम है। एक गोलू है जो कि इसको एंजॉय नहीं करना लगता है। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। ये आप देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है। पिकनिक स्पॉट बन चुका है ये जगह, रानीताल डैम पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं, ये रास्ता है। देख रहे कितनी बाइकों की संख्या से आप जान सकते हैं कि कितना भीड़ भाड़ वाला हो गया है ये जगह। सर ये हमारे जेएस कॉलेज के सर हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हम लोग आए हैं सर इधर। कैसा लगा सर आपको यहाँ, कैसा जगह लगा? बहुत अच्छा लगा। और मतलब साल के अंत में लोग जो वन भोज करने के लिए आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा जगह, बेहतरीन जगह है। थैंक यू सर। धीरे धीरे और भी डेवलप होगा। हाँ अभी तो काफी डेवलप होना बाकी है इसमें। चलिए थैंक यू सर आपके रिव्यू के लिए। ये देख सकते हैं आप। कितना बेहतरीन नजारा है। रिसेंट टाइम पर कैमरे में हम रिकॉर्ड ऑन है ना उसका, ये आप देख सकते हैं। काफी प्रचलित इलाका हो चुका है ये भी। इधर भी हम जाते हैं मगर हमारे पास समय का थोड़ा आभास है, इसके कारण हम जा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम आपको ये भी दिखाते हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ है चक्रवर्ती इलाकों से। ये गोलू कुमार और विशाल कुमार और हमें हमारे भैया और ये पप्पू सर। विशाल कुमार इधर है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।